आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की तर्ज पर देहरादून को एक विकसित शहर के रूप में तराशा जाएगा। दरअसल देहरादून को मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। ऐसे में अमरावती की लैंड पूलिंग पॉलिसी पर उत्तराखंड सरकार विचार कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत देहरादून का नाम आने के बाद से प्रदेश सरकार लगातार शहर को लेकर मास्टर प्लान बना रही है, जिसको लेकर अमरावती की तर्ज पर देहरादून को सजाया और सवारा जाएगा। शहर में जहां सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से बहुमंजिला इमारत बनाई जाएंगी, वहीं शहर में पानी की निकासी से लेकर हरियाली का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार की लैंड पुलिंग पॉलिसी को अपनाने का मन बना लिया है, जिसमें सरकार आम लोगों और किसानों के बीच अनुबंध के जरिए भूमि का आदान प्रदान करेगी। क्या है पूलिंग पॉलिसी? किसानों से जमीन अधिग्रहण करेगी सरकार। एक ही जगह पर सरकार को मिलेगी ज्यादा जमीन। सरकार और किसानों के बीच होगा करार। लैंड पूलिंग के लिए बनेगा स्पेशल एक्ट। किसानों के हितों और सरकार की जरूरतों का रखा जाएगा ध्यान। अमरावती में किसानों से जमीन लेकर सरकार ने उसका 25% हिस्सा उन्हें विकसित कर वापस दिया और 75% भूमि को सरकार ने प्रयोग किया। आंध्र प्रदेश का एक आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA, उसके नाम पर एक अलग अथॉरिटी क्रिएट किया है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, वो नया सिटी एज अ कैपिटल सिटी के नाम पर, न्यू कैपिटल अमरावती के नाम पर, वो दर्ज के उस दर्ज में वो डेवलप कर रहे हैं। उसमें उन्होंने एक लैंड पूलिंग पॉलिसी LPP उन्होंने डेवलप किया है। उसमें जो लगभग 27 विलेजेस का जमीन है, मोर देन 50,000 हेक्टेयर लैंड है, वो है लोगों का आपसी सहमति से। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव पर प्रशासन, MDDA और मास्टर प्लान अथॉरिटी से जुड़े अधिकारी अमरावती में पॉलिसी को बारीकी से समझने गए थे, जिसके बाद अधिकारी इसे देहरादून के लिहाज से उपयोगी मान रहे हैं। अमरावती में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत 27 गांव से 50,000 हेक्टेयर भूमि सरकार ने अधिकृत की है, जबकि देहरादून को एक विकसित शहर में तब्दील करने के लिए भी जमीन की जरूरत है। लेकिन प्रशासन के पास जरूरी योजनाओं के लिए ही भूमि नहीं है। हालांकि बुद्धिजीवी मानते हैं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी को पर्वतीय जिलों में लाया जाए, ताकि पहाड़ों में आसानी से जमीन भी मिल सके और विकास पहाड़ों तक भी जा सके। ये अच्छा होगा कि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे हाईटेक सिटी बसाए जाएं उन गांवों में जहां जमीन खाली पड़ी है, ताकि लोग पलायन, इन शहरों में दबाव कम हो। ये विचार, अगर इस विचार से सरकार कोई नीति लाती है और ऐसा करती है, मैं समझता हूं एक तो भूमि मिलने में आसानी होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के बाद उत्तराखंड भी लैंड पूलिंग पॉलिसी को अपनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसी कड़ी में देहरादून को स्मार्ट बनाने को लेकर सरकार की सोच सामने आई है। अमरावती की लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर जहां तमाम राज्य उत्साहित हैं, वहीं उत्तराखंड भी इस पॉलिसी को अपनाने के लिए काम कर रहा है। हालांकि ये सवाल भी उठ रहे हैं कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार इस पॉलिसी को अपनाती है और कैसे इस पॉलिसी पे राज्य सरकार काम करती है। कैमरा पर्सन नरेंद्र पिमोली के साथ नवीन उनियाल, TV24 देहरादून।